वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चक्र। आज हम लोग बात करेंगे मैक माफिया इस वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज में तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। एपिसोड ऑलमोस्ट 59 से लेके 52 मिनट्स के बीच में नजर आते हैं। खैर, इस सीरीज का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था, तो फाइनली मैंने सीरीज देख चुका हूँ। चलिए मैं आपको सीरीज के बारे में बताता हूँ, लेकिन प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी दबाना पड़ेगा। हाँ, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। चलिए बात करते हैं इस सीरीज की। तो इस सीरीज में हमें नजर आते हैं डिमिट्री गॉडमैन, जो कि रशियन गैंगस्टर है, लेकिन अपने राइवल वडिम से हारने के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर लंदन में सेटल हो चुके हैं। डिमिट्री गॉडमैन का एक बेटा है जिसका यहाँ पर रोल प्ले किया जेम्स नॉर्टन है। उसका इस सीरीज में नाम है एलेक्स गॉडमैन, जो कि पेशे से एक बैंकर है, मगर वो कभी नहीं चाहता गैंगस्टर बनने के लिए, ना ही वो इस तरीके के लोगों से पहचान भी बनाना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब उनका राइवल वडिम उनकी लाइफ में वापस आ जाता है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है मैक माफिया। अब मैं आपको इस सीरीज की सबसे अच्छी बात बताऊं तो वो ये है कि हम इंडियंस के लिए खुश होने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि इसमें हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आते हैं, जिनका रोल इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें इस सीरीज में नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरे भी इंडियन एक्टर्स नजर आते हैं। खैर, इस सीरीज की बात करो तो यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्राइम, यानी किस तरीके से रशियन माफिया और दूसरे कंट्रीज के जो गैंगस्टर होते हैं उनके साथ मिलकर किस तरीके से अपने बिजनेस को फैलाया जाए, साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से उन पर फंडिंग होती है, ये भी आपको इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज कहने को हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन जो रशियन डायलॉग वो आपको रशियन लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, इंग्लिश सबटाइटल होता है। उसके अलावा इस सीरीज में आपको बॉलीवुड के टिपिकल मूवीज की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा हर आधे घंटे में कोई गैंगस्टर यहाँ पर सनी लियोन के आइटम सॉन्ग में डालते हुए नजर आ रहा है, ऐसा भी बिल्कुल इस सीरीज में नहीं है। ये सीरीज को जिस तरीके से क्राइम ड्रामा होना चाहिए उसी तरीके से प्रेजेंट किया है। हर एक कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया, चाहे वो वडिम का कैरेक्टर हो, चाहे वो एलेक्स गॉडमैन का हो, चाहे वो डिमिट्री गॉडमैन का हो, उसके अलावा दूसरे अदर्स कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर को बहुत ही इतना ब्रिलियंटली लिखा है कि इजीली आप उन लोगों से कनेक्ट हो जाओगे। और ये सीरीज में आपको धीरे 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 सस्पेंस और थ्रिल महसूस होगा। और मैं आपको बता दूं, ये सीरीज का जो एपिसोड है वो धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह से हर एक एपिसोड को होना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से बनाएगा, तो कहीं से भी मुझे पर्सनली इस सीरीज से कोई भी शिकायत नहीं। मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हुई सीरीज को देखकर। इस सीरीज को IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी, जो मुझे ऐसा लगता कि बहुत कम है। इस सीरीज को इजीली 8+ की रेटिंग मिल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो सीजन 2 होगा वो बहुत ही फाड़ू होगा। फिलहाल सीजन 1 देखकर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आने वाले सीजन में हमें बहुत कुछ हटके अलग देखने को जरूर मिलेगा। तो बस यार, इस वीडियो में इतना। अगर आपको सीरीज देखनी तो आपको Amazon प्राइम वीडियो से मिलेगी। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज स्लोली स्लोली आगे बढ़ती है, मैं आपको पहले बता रहा, लेकिन जो एक मजा इस सीरीज में ना, वो आपको दूसरी कोई भी गैंगस्टर फिल्मों में देखने को नहीं मिलेगा। तो यार, इस सीरीज को जरूर देखना। और हाँ, इंडिया वाले जो चीजों के लिए एडिक्टेड, यानी कि नाच गाना या तो फिर गाली गलौज या तो फिर फालतू के अश्लील सीन्स, वो सीन्स आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस करने वालों। तो यार, बस इस वीडियो में इतना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल से दुआ में, मैं हूँ राशि सिंह और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।